ये वीडियो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में है। इसमें फार्मडी, डीपीटी और नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फार्मडी का फीस स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एडमिशन फीस 50,000 है ओपन मेरिट की और सेल्फ फाइनेंस की 60,000 है। ट्यूशन फीस पर ईयर जो है वो 1,80,000 है ओपन मेरिट की और सेल्फ फाइनेंस की 3,50,000 और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन चार्जेस 1,000 है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करते हैं जो कि ऑप्शनल है तो आपको 30,000 पर ईयर अलग से देने होंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि इंटरमीडिएट में या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में आपके 60% मार्क्स हों और आप जब इंट्री टेस्ट दें तो इससे मिनिमम आपके 25% मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा आपको सिंध का डोमिसाइल चाहिए। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो ओपन मेरिट की 60 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस मॉर्निंग की 40 और इवनिंग की 50 सीट्स हैं, तो टोटली 150 स्टूडेंट्स का बैच बनता है एक। देन हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी कि डीपीटी है, इसकी एडमिशन फ़ीस भी सेम है। ट्यूशन फीस ओपन मेरिट की पर ईयर 1,50,000 है और 1,00,000 इंक्रीमेंट होगी सेल्फ फाइनेंस के लिए, ये भी ईयरली चार्जेस हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन 1,000 और ट्रांसपोर्ट की वही ऑप्शनल फ़ीस है 32,000 पर ईयर। देन उसके बाद इसका भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें भी इंट्री टेस्ट होगा। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो टोटल 100 हैं, 50 मेरिट की और 50 सेल्फ फाइनेंस की। देन हमारे पास बीएस नर्सिंग है, इसकी एडमिशन फ़ीस 45,000 है। ट्यूशन फीस बीएस जेनरिक नर्सिंग के लिए और पोस्ट आरएन नर्सिंग के लिए 1,36,000 है और मिडवाइफरी के लिए 97,000 और वही डॉक्यूमेंट के चार्जेस और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वही रहेंगे। पोस्ट आरएन नर्सिंग और पोस्ट आरएन मिडवाइफरी के दो दो साल के प्रोग्राम्स हैं और जेनरिक बीएस नर्सिंग 4 ईयर्स प्रोग्राम है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो पोस्ट आरएन के लिए आपको मैट्रिक साइंस या आपने आर्ट से किया हुआ हो, इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग में और 1 साल का मिडवाइफरी में हो, इसके अलावा वैलिड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हो और इसकी 100 सीट्स हैं डाउ में। इसके अलावा बीएसएन नर्सिंग के लिए आपका मैट्रिक साइंस से हुआ हुआ, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है और आपके पास सिंध का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पोस्ट आरएन बीएस मिडवाइफरी में ले रहे हैं तब आपके पास वही क्राइटेरिया है जो नर्सिंग का था, बस इसमें एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और इसमें 100 सीट्स बीएस के लिए हैं और पोस्ट आरएन के लिए 20 सीट्स। देन लास्ट में हमारे पास बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी एडमिशन फ़ीस 45,000 है, ट्यूशन फीस ईयरली 1,42,000 है और डॉक्यूमेंट के चार्जेस 1,000 और ट्रांसपोर्ट के वही 32,000 होंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आपका इंटरमीडिएट आपने प्री मेडिकल या फिर प्री इंजीनियरिंग से किया हुआ हो और इसके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा डोमिसाइल लाजमी है सिंध का। देन नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स हैं ओपन मेरिट की और सेल्फ फाइनेंस नहीं ऑफर करते बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी में सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर बीएस न्यूट्रिशन, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री या डेंटल केयर प्रोफेशनल्स की जो फील्ड्स होती हैं, डेंटल टेक्नोलॉजी या फिर डेंटल हाइजीन, इनकी अगर वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।